We'll discuss about the Hess's law of constant heat summation. This is the most important concept in thermodynamics. Very important thing. So you should clearly understand these things. I am explaining in a easy way how to interpret the Hess's law. Hess's law of constant heat summation. The enthalpy change. What is Hess's law? First is statement. What is the statement? What is the statement? What is the statement? The enthalpy change, the enthalpy change or heat change The enthalpy change or heat change during a chemical reaction is same. The enthalpy change or heat change during a chemical reaction is same whether it takes place in one step or several steps. The enthalpy change or heat change during a chemical reaction is same whether it takes place in one step or in several. Whether it takes place in one step or in several steps. Like a very important point. The enthalpy statement kon bola the enthalpy change during a chemical reaction is same whether it takes place in one step or in several steps. Very important thing. So, batan aku ebe explain kariba. Explanation. Eto explanation koi bolchi. Explanation. Explanation. Consider a reaction. Consider a reaction A to B. Look at. Consider reaction. It takes place. It is a considered reaction A to B. It takes place directly and indirectly. How this is we will consider. Consider reaction A to B. It takes place directly as well as indirectly. Very important. Consider a reaction A to D. We will consider a reaction A to D. It takes place directly as well as indirectly. Look at it. A to B, B to C, C to D. There is one. Look at. So A to B, this is direct step. See, Kaila, enthalpy change during a chemical reaction is same whether it takes place in one step or in several steps. See, Kaila, A to B is convertible. Jetiki enthalpy, A del is equal to A to B, B to C, C to D. That is, del is equal to del H1 plus del H2 plus del H3. That is, del is equal to del H1 plus del H2 plus del H3. Clear?
केमिकल रिएक्शन इज सेम व्हेदर इट एक्सप्रेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप अर्थात गोटे केमिकल रिएक्शन सपोज एटा केमिकल रिएक्शन है आइबो देखि माने एज्यूम कर छी गोटे केमिकल रिएक्शन है ए टू बी जति के एंथाल्पी रिलीज होला मतलब एला वन स्टेप एटा लो वन स्टेप किंतु एकि कोन ए टू बी एटा गोटे स्टेप बी टू सी एनदर स्टेप सी टू डी एनदर स्टेप एटी डैलेज 1 एटी डैलेज 2 एटी डैलेज 3 सो दिस डैलेज इक्वल टू डैलेज 1 प्लस डैलेज 2 प्लस डैलेज 3 या दिस इज दी सो डायरेक्ट स्टेप हम अगर जल्दी एटा एक्सपेंशन करबा फर्स्ट डायरेक्ट स्टेप करबा डायरेक्ट स्टेप डायरेक्ट स्टेप डायरेक्ट स्टेप रे का होबा ए टू डी ए टू लुक एट डायरेक्ट स्टेप ए टू डी डैलेज सपोज डैलेज होला क्यू केला का लुक एट ए टू डी ए टू डी डायरेक्ट स्टेप ए टू डी अमाउंट कते ही रिवॉल्व होला डैलेज एला डैलेज होला सपोज हम क्यू क्यू किलो कैलोरी मिलते इनडायरेक्ट स्टेप नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्टेप ए टू बी डैलेज कते डैलेज 1 डैलेज कते सो सो डैलेज एटा डैलेज 1 डैलेज 1 एटा सपोज q1 किलो कैलोरी ए टू बी कते q1 किलो कैलोरी नेक्स्ट बी टू सी डैलेज 2 को लो q2 किलो कैलोरी देन डैलेज 3 इक्वल टू q3 किलो सो ए टू बी डैलेज 1 q1 किलो कैलोरी ए टू बी डैलेज 1 q1 किलो कैलोरी बी टू सी डैलेज 2 q2 किलो कैलोरी सी टू डी डैलेज 3 q3 किलो कैलोरी सो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ कौन बोला डायरेक्ट स्टेप पे देखो एटी ए टू बी डायरेक्ट स्टेप कते ही रिवॉल्व होला ना डैलेज एटी बी टू सी एटा गोटे स्टेप एटा कौन सेवरल स्टेप सी कोची गोटे स्टेप रे जति की ही रिवॉल्व हो सेवरल स्टेप रे मिसेले सति की स्टेप सति की ही रिवॉल्व गोटे केमिकल रिएक्शन अछि गोटे स्टेप रे प्रोड्यूस गोटे स्टेप रे कन्वर्ट हो ए टू डी किमा सेवरल स्टेप रे हो गोटे स्टेप रे हो किमा सेवरल स्टेप रे हो से कन्वर्ट हो कौन ए टू बी ए टू बी ए टू सॉरी ए टू बी डायरेक्टली ए टू बी इनडायरेक्टली सो ए टू डायरेक्टली ए टू बी इनडायरेक्टली ए टू बी बी टू सी सी टू डी सी टू डी सो दिस इज वन स्टेप दिस इज सेवरल स्टेप सो एंथाल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज सेम व्हेदर इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप एटा कोन गोटे स्टेप रे अछि एटा कोन अछि सेवरल स्टेप सो अछि सो दिस डैलेज इक्वल टू डैलेज 1 प्लस डैलेज 2 प्लस डैलेज 3 लुक एट एटी ए टू बी एला डैलेज स्टेप अछि क्यू केलो कलरी एटी इनडायरेक्ट स्टेप रे ए टू बी डैलेज 1 और क्यू 1 केलो कलरी b to c डैलेज 2 करू q2 किलो कैलोरी c to d डैलेज 3 करू q3 किलो कैलोरी से कहला ए स्टेप पर जति होबो ए सेवरल स्टेप पे मिसिंग भी सति होबो दैट इज तो एक्सेप्ट राइट दिस एक्स फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो फर्स्ट यू राइट दिस स्टेटमेंट एंथाल्पी चेंज और हीट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज सेम व्हेदर इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप एक्सपेंशन कंसीडर रिएक्शन ए टू डी इट टेक्स प्लेस डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली डायरेक्ट स्टेप ए टू डी डैलेज कर क्यू केलो कैलोरी इनडायरेक्ट स्टेप ए टू बी डैलेज 1 क्यू 1 केलो कैलोरी बी टू सी डैलेज 2 क्यू 2 केलो कैलोरी सी टू डी क्यू 3 केलो कैलोरी नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो एक्सपेंशन है देन अकॉर्डिंग टू एसएस लॉ डेल एच इक्वल टू डेल एच वन डेल एच टू डेल एच थ्री सो दिस इज क्यू के लगा ली दिस इज क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री दिस इज क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस इटा ला गोटा स्टेप रे इटा कोन से बड़ा स्टेप एटी क्यू वन एटी सेकंड फर्स्ट स्टेप क्यू वन सेकंड स्टेप क्यू टू थर्ड स्टेप क्यू थ्री सो दिस क्यू इक्वल क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री क्लियर सो एंथाल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन समर अदर स्टेप एंथाल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन समर अदर स्टेप्स क्लियर नेक्स्ट प्रूफ एगला एथिक एक्सपेंशन ए प्रूफ टा जे न पारिबो से लिखि बनि मु जस्ट के कहू छी हैला प्रूफ फर्स्ट आई एम राइटिंग दिस प्रूफ नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन करो हेजेस लॉ इज वेरी इंपोर्टेंट से कहू छी एंथाल्पी ए टू डी डायरेक्ट स्टेप रे जति की हीट होबो से रिएक्शन को पांच स्टेप करो तीन स्टेप करो जते कोले भी सही सकी के पावर ऑफ हीट की बात हो देखिबा उडा एग्जांपल को देखिबे आप बता देखो प्रूफ लेट डेल एच ग्रेटर देन डेल एच वाई डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री लेट डेल एच ग्रेटर देन डेल एच वाई प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री व्हेन ए इज कन्वर्टेड टू डी इन वन स्टेप When A is converted to B in when A is converted to B in one step, amount of Let del H greater than del H1 plus del H2 plus del H3. When A is converted to B in one step, amount of heat produced is del H. Amount of heat produced is del H. फर्स्ट विल एज्यूम दैट डेल एच ग्रेटर देन डेल एच1 प्लस डेल एच2 प्लस डेल एच3
let us first, this is not correct. First we will assume that del h greater than del h1 plus del h2 plus del h3. Clear? Del h2 हमने पहले greater than del h1 plus del h2 plus del h3. मतलब first step कौन करा? A is converted to D. जब तक A टा direct step रे B को convert होला. Second करा. D first step amount of heat produced is del h. कहते heat produced होला? When A is converted to first step amount of heat produced is del h. जब तक A टा convert होला directly D. कितने हीट प्रोड्यूस होला ता डेलेज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड डेलेज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एटा गोटा स्टेप रे सेकंड ले व्हेन डी कन्वर्टेड टू ए व्हेन बी इज कन्वर्टेड टू ए तो डी टा कन्वर्ट होला ए मल्टीपल स्टेप रे हीतला मल्टीपल स्टेप डी इज कन्वर्टेड टू ए सेटा कोन होला मल्टीपल स्टेप रे हीतला गोटा स्टेप रे हीतला गोटा स्टेप रे हे नथिला केबे ठीक हो गेला लक्ष्य कर ए टू डी एरे मा आंसर कोइ दुची ए टू डी डायरेक्ट स्टेप एटी डेलेज हीतला एटी दिला B, एटी दिला C, एटी दिला D, एटी डेल H1, डेल H2, डेल H3, डेल H1, डेल H2, डेल H3, क्लियर? चलो एटी गोटे स्टेप, एटी अलग है, रिवर्स स्टेप, मतलब A to D वन स्टेप, कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ला ना डेल H, जो तो D to A सेवरल स्टेप, देखो एटी कितने हीट एब्जर्ब करा डेलेज वन और डेलेज टू इट अलग गोटे स्टेप ए भी इधर दिख रहा है मल्टीपल स्टेप सो मल्टीपल स्टेप में कितने फास्ट ला व्हेन ए इज कन्वर्टेड टू बी इन वन स्टेप अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ला डेलेज जब तक ए टू बी कन्वर्ट ला गोटे स्टेप में कितने हीट प्रोड्यूस ला ना डेलेज अमाउंट ऑफ हीट जब तक डी टू ए ला डी टू ए ला मल्टीपल स्टेप ला जब तक कितने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ला डेलेज वन और डेलेज टू प्लस डेलेज क्लियर नेक्स्ट So in one complete cycle, 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 the amount of heat evolved. So in one complete cycle. Amount of heat evolved is del H minus del H1 plus del H2 del H3. सो लुक एट बटन गुटे साइकिल ले केते ही ए टू डी जे तले कन्वर्ट होला गुटे स्टेप ले केते ही प्रोड्यूस होला डेलेज से डी टू ए होला केते ही कर जाला केते बटन सो इन वन कंप्लीट साइकिल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व केते होला डेलेज माइनस डेलेज और प्लस डेलेज टू प्लस डेलेज गुटे साइकिल ए टू डी गला डी टू ए होला मतलब केते ही प्रोड्यूस होला डेलेज माइनस दिस अमाउंट ऑफ हीट सो वर्तमान यदि हम ए साइकिल ता को रिपीट करी करी चलिबा By repeating this cycle again and again, how much large amount of heat will be produced? By repeating this cycle again and again, large amount of heat is evolved by repeating this cycle again and again. Large amount of heat will be evolved by
By repeating this cycle, again and again, large amount of heat will be given. But one large amount of heat produced la, without doing any external work. By large amount of heat is given without doing any external work. By repeating this cycle again and again, large amount of heat is evolved without doing external. So a perpetual motion machine is constructed. So a perpetual motion machine is constructed. So a perpetual motion machine is constructed which does what? Without consuming. Which does work without consuming energy? It is against the first law of heat. It is against the first law of heat. So del H equal to del H1 plus del H2 del H3. That is the question. Answer question. এই যে প্রুফটা গো ফার্স্ট এটা আমি থিওরিক্যালি আমি কেমনে প্রুফ করব ফার্স্ট আমি অ্যাসাম্পশন করব যে ডেল এইচ গ্রেটার দ্যান ডেল এইচ প্লাস ডেল এইচ প্লাস ডেল এইচ ফার্স্ট উই উইল অ্যাজাম দ্যাট ডেল এইচ বড় কাট অফ ডেল এইচ প্লাস ডেল এইচ টু ডেল এইচ টু আমি অ্যাজুম করি ফার্স্ট আমি যে তাহলে এ টু বি ডাইরেক্টলি কনভার্ট হচ্ছে যেতবে গুটে স্টেপে বতান ए टू बी डायरेक्ट कन्वर्ट होउछि केते ही कन्वर्ट होउछि ना डेल एच जेते ए टू बी बी टू सी सी टू बी एला डेल एच वन डेल एच टू डेल एच थ्री एला सो डेल एच ग्रेटर देन डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री जेते बले ए टू बी कन्वर्ट होउछि जेते बले ए टू बी कन्वर्ट होउछि डायरेक्टली गुटे स्टेप रे केते ही प्रोड्यूस होउछि ना डेल एच अमाउंट ऑफ हीट डेल एच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस जेतबे डी कन्वर्ट होउछि एफ जेतबे डी कन्वर्ट होउछि एफ मल्टीपल स्टेप रे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब केते होउछि डेल एच ऑफ फ्रॉम डेल एच टू प्लस डेल एच केते हीट एब्जॉर्ब होउछि डेल एच ऑफ प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री क्लियर तरो गोटे साइकिल ले देखो ए टू डी एतिकि ही डिवाइड होउछि डी टू एफ एतिकि ही एब्जॉर्ब होउछि केना डेल एच ऑफ प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री सो कंप्लीटिंग दिस साइकिल कंप्लीट साइकिल लेके का ही इवॉल्व हो जी डेल एच माइनस डेल एच डेल एच माइनस डेल एच प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच सो ए साइकिल का यदि हम अगेन एंड अगेन रिपीट करबा तले लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस बाय रिपीटिंग दिस साइकिल अगेन एंड अगेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क किसी एक्सटर्नल का वर्क न करी हमें एनर्जी पाई सो हमें कोई तरह कर परपेचुअल मोशन मशीन कौन कोई चले ये बोलिए कौन सी मशीन नहीं देयर इज नो मशीन व्हिच विल डज वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी फैन इज ए मशीन इलेक्ट्रिसिटी नदले गुरीबत गुरीबना किंतु एटी देखाओ इडा जमीन मात्र बिना कुन नले ए बोलिए कौन ला ए टू बी जदे गुटेस के बोला अमाउंट ऑफ हीट डेल एच प्रोड्यूस चला डी टू ए के ला ए टू ए वाला हीट एब्जॉर्ब होला तो गुटे कंप्लीट साइकिल हेला ओटू ए टू बी रे एतिकी हीट इवॉल्व होला डी टू ए रे एतिकी हीट एब्जॉर्ब होला तो गुटे कंप्लीट साइकिल ला कति की हीट इवॉल्व करा सो इन वन कंप्लीट साइकिल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज डेल एच माइनस डेल एच ऑफ डेल एच टू प्लस डेल एच बाय रिपीटिंग दिस साइकिल अगेन एंड अगेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी इवॉल्व ए साइकिल ता को रिपीट कर कर चलले पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी इवॉल्व विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क किसी एक्सटर्नल काम न करी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व सो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन आमे गोटे परपेचुअल मोशन मशीन कंस्ट्रक्ट करी पारिबे परपेचुअल मशीन को परपेचुअल मोशन मशीन ला
एभलिया गोटे मेसीन जोटा कि काम करदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी एभलिया पसबल हम कि इट इज एगेन्स्ट फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन कहला इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोशन मेसीन व्हिच विल डज वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहला एटा असंभव परपेचुअल मोशन मेसीन तैयारी जोटा कि काम कर विदाउट एनर्जी कंजम्पशन कर विदाउट फैनटा मेसीन। सपोज फैनटा मैं परपेचुअल मोशन मेसीन दर इलेक्ट्रिसिटी ना घूर कि से भाया से कौन फैन इज ए मेसीन दर फैनटा परपेचुअल मोशन मेसीन इलेक्ट्रिसिटी नदे से घूर इज इट पसबल यहाँ पसबल नुहे तेणु बर्तन ये देखा इट इज अब्जर्व यही सैकेलटा को रिपीट एगेन एगेन कराने लार्ज अमाउंट अफ हिटा इवल्व है विदाउट डुइंग एन एक्सटर्नल वर्क। सो ए परपेचुअल मोशन मेसीन इज कंस्ट्रक्टेड व्हिच डज वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी इट इज अगेंस्ट द फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच इज अगेंस्ट द फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो डेल इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल एक्स प्लस जो आम लेते हैं एज्यूम करते कौन डेल एक्स ग्रेटर देन डेल एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स सीधा रॉन्ग हो गया तो करेक्ट टू का डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स क्लियर डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स क्लियर। फर्स्ट हमें ले असम्पशन डेल एक्स ग्रेटर देन डेल एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स तापर देखिले जेते ए टू बी गुटे स्टेप रे कन्वर्ट होउची केते हीट प्रोड्यूस होउची ना डेल एक्स जेते बी टू ए मल्टीपल स्टेप रे कन्वर्ट होउची केते हीट एब्जॉर्ब करउची एति तनो गुटे टोटल साइकिल रे केते हीट इवर्ट होला डेल एक्स माइनस दिस ए साइकिल ला देखि से साइकिल ता को रिपीट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट कर कर चलला से साइकिल ता को जेते अगेन एंड अगेन रिपीट कर कर चलला कोन हबो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी इवर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी इवर्ट ड्यूरिंग दिस साइकिल बता देखो तुम एग्जांपल दोची डायरेक्ट एग्जांपल एटा ला प्रूफ जदी प्रूफ ता तुम न पारिबो लिखलो दरकार नै से सती लिखियो इलस्ट्रेशन ता ले देखो इलस्ट्रेशन ता कहू छी ए प्रूफ ता जे न पारिबो से प्रूफ लिखियो रे इलस्ट्रेशन ता ले इलस्ट्रेशन देखो इलस्ट्रेशन में डायरेक्ट स्टेप एंड इनडायरेक्ट स्टेप मतलब डायरेक्ट स्टेप डायरेक्ट कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एटी डेल एच माइनस डेल एच ला कार्बन सॉलिड हाफ ओ टू गैस कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ओ टू गैस सीओ गैस डेल एच वन दे माइनस 26.3 एटा फर्स्ट स्टेप
सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप वाला कार्बन गैस सीओ गैस सीओ गैस प्लस हाफ और टू सीओ टू गैस माइनस 68.0 लुक एट এই যেটা রিঅ্যাকশন গুলো তুমি অ্যাড করে দাও এই যেটা কই অ্যাড করে দাও এই রিঅ্যাকশনটা পাই বর্তমান যদি এই যেটা রিঅ্যাকশন গুলো তুমি অ্যাড করে দাও এই রিঅ্যাকশনটা পাই सो दिस डल इज कॉल्ड डल इज और पोस्ट डल इज बता जदि बेटा असला एटा इन्वेस्टर होतो का एटा डायरेक्ट स्टेप फोर्थ स्टेप रे कार्बन का कन्वर्टला कन्वर्टेशन एटी टू टेस्ट फर्स्ट कार्बन का रेट ला हाफ ऑक्सीजन से तो कार्बन मोनोऑक्साइड ला कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन से तो गेट करी कार्बन डाइऑक्साइड ला एटी डल इज ला एटी की एटी डल इज ला बतवा डल इज एज डल रिएक्शन को ऐड कर दले एज डल रिएक्शन को ऐड कर दले कोना से एडिन So del H equal to del H one plus del H two. Del H equal to del H one plus del H two. Del H कितना है? Minus 94.3 which equal to minus 3 equal to minus 94.3 तो इक्वल है ना सो दिस डेल इज इक्वल टू डेल इज 1 तो बेटा दिस इज इलस्ट्रेशन सो बोथ स्टेप हीट चेंज इज इन बोथ स्टेप द हीट चेंज इज सेम डायरेक्ट स्टेप में हीट चेंज कर दी इनडायरेक्ट स्टेप में देखो एटा कोटे स्टेप में रिएक्शन का आला जति की हीट चेंज होला एटा दुईटा स्टेप में एक भी हीट चेंज दिखे होला so in both steps the heat change remains same in both step that is direct step and indirect step in both step the heat change remains same in both steps last topic one in both steps the heat change remains same in both steps the heat change in both steps the heat change remains same in both steps the heat change remains same clear that is in both direct step and indirect step the heat change remains same minus 93.4 in direct step mein minus 93.4 indirect step mein kitna hai same minus 93.4 del h equal to del h1 plus del h2 del h equal to del h1 plus del h2 clear so see ji enthalpy change during the chemical reaction is same whether it takes place in one step both step mein ho
कि चार स्टेप हो दिटा स्टेप हो तीन स्टेप हो जो चार स्टेप हो ये जहाँ जी हिट हम से सैड हिट अमाउंट अफ हिट लिवर क्लियर गोटे स्टेप जी हिट बाहर चार तीन स्टेप दुईटा स्टेप हिट बाहर सो दि चेज विभिन्न केमिकल रिएक्शन इन वन स्टेप और इन सेवन स्टेप In both steps, the heat change remains same. In both steps, the heat change remains same. Hence, it proves Hess's law. Hence, I am going to explain. Hence, it proves Hess's. Hence, it proves Hess's law. Clear? Hence, it proves Hess's law. तर हेसेस लॉ सिंपल जिंस डिटेल जिंस जानिबो हेसेस लॉ कहला द एंथाल्पी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप एंथाल्पी दा धरो ए टू बी गुटे स्टेप रे जति की हीट बारला तीनटा ए टू बी तीनटा स्टेप करू कि चारटा स्टेप करले भी सेति की हीट बारी क्लियर द एंथाल्पी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप रे लेबी सेति बारी वा गुटे स्टेप रे लेबी सेति बारी क्लियर नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ एप्लीकेशन कल हेडिंग गुडा लिखि दउ छी तापर हम प्रॉब्लम करबा एप्लीकेशन एप्लीकेशंस applications of Hess's law Application of Hess's law. First determination of enthalpy of formation. Determination of enthalpy of Determination of enthalpy of formation. So what is determination of enthalpy of formation? There are certain compounds. किसी कंपाउंड अच्छी आम डायरेक्ट तरह एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कर पारा ना आम काढ़ा कौन इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट स्टेप डायरेक्ट कर पारा ना इनडायरेक्ट स्टेप काढ़ सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ इनडायरेक्ट स्टेप पढ़ा डायरेक्ट स्टेप भी न जाने डायरेक्ट स्टेप से लिखीद क्लियर सो देर आर सर्टेन कंपाउंड्स वी कैनॉट कैलकुलेट द एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली बट वी कैन कैलकुलेट इट इनडायरेक्टली सो देर आर सम कंपाउंड्स व्हिच एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैनॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और डायरेक्टली In order to calculate this, we have to apply Hess's law. किसी compound अच्छी काम enthalpy of formation का हमें directly calculate करना है. We cannot calculate the enthalpy of formation of some compounds directly or experimentally. In order to calculate the enthalpy of formation of these compounds, we have to apply other methods. We have to apply the other methods that to calculate the enthalpy of formation. So determination. So determination of enthalpy of formation determination of enthalpy of formation first application there are certain compounds kichi compound achi tar enthalpy of formation ame directly kari pariba nai we have to calculate it indirectly we have to calculate it indirectly by applying hess's law by applying hess's law determination of enthalpy of combustion second determination
द डिटरमिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन सब कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हेसेस लॉ एही बात से विषय बोले एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसी कंपाउंड डायरेक्टली कर पाते हैं इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग हेसेस लॉ हमें कर पाते हैं बाय अप्लाइंग हेसेस लॉ वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सम कंपाउंड्स बाय अप्लाइंग हेसेस लॉ वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सम कंपाउंड्स So this is second application. Third application, determination of enthalpy of transition. Determination of enthalpy of determination of enthalpy of transition. Rhombic sulfur converted to monoclinic. Directly हमें कर पाएंगे नहीं तब indirectly हमें कर पाएंगे. Directly जब हम rhombic to monoclinic directly enthalpy of transition का R of resistance directly कर पाएंगे ना. हमें apply करेंगे Hess's law. Apply करेंगे Hess's law. Hess's law apply करेंगे. Indirect step में तो कर पाएंगे rhombic का oxygen वो. Rhombic raw oxygen SO2. तापरे এটা আসলো মনোক্লিন অক্সিজেন দেখো এটা আর ক্যাটালিস্ট ডেলিজ ওয়ান দেব আর ওকে ক্যাটালিস্ট ওয়ান আর ওকে ক্যাটালিস্ট টু দেব আর ওকে ক্যাটালিস্ট ওয়ান আর ওকে ক্যাটালিস্ট টু মানে সাপোজ আর ক্যাটালিস্ট আমি জানি না আর ক্যাটালিস্ট -71.1 71.1 किलो कैलोरी आर अच्छी माइनस सपोज कर एक डायरेक्ट एसआर टू एसएन आर रिलेशन जोड़ा को जोड़ना एसआर टू एसएन रोमिक सल्फर एसआर का रोमिक सल्फर एसएन का रोमिक सल्फर इधर ला रिएक्टेंट इधर ला प्रोडक्ट मतलब एसआर का एसएन को कन्वर्ट हो आर रिलेशन को जोड़ना जोड़ना इधर डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्टेप का इधर ला इधर डायरेक्ट स्टेप डायरेक्ट स्टेप एगला इनडायरेक्ट स्टेप इनडायरेक्ट स्टेप -71.6 -71.7 -7 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
माइनस डेल एच वन माइनस डेल एच टू तनो एटी एटा कोन जीवो प्लस हे जीवो प्लस हेले टिकत आसीबो एटी प्लस हे गेले एटा अपन धरो डेल एच वन माइनस डेल एच टू एटी आसीबो देखो डेल एच वन माइनस डेल एच टू डेल एच वन कते माइनस 71.1 माइनस ऑफ माइनस 71.6 तनो माइनस 71.1 प्लस 71.7 प्लस 0.6 এটা হলো দুই জাতীয় অ্যাপ্লিকেশন অফ হেসেস ল আমি হেসেস ল এপ্লাই করি কি অর্থাৎ আমি কিছু কম্পাউন্ডর এনথালপি ফরমেশন ডাইরেক্টলি কারি পারিবা নাই আমি তো কোন করিবা উই হ্যাভ টু এপ্লাই হেসেস ল ইন অর্ডার টু ক্যালকুলেট দি এনথালপি ফরমেশন অফ দ্যাট কম্পাউন্ড চলো ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশন ডিটারমিনেশন অফ এনথালপি অফ কম্বাসন কিছু কম্পাউন্ড উই ক্যান নট ক্যালকুলেট দি এনথালপি অফ কম্বাসন অফ সাম কম্পাউন্ড ডাইরেক্টলি উই হ্যাভ টু এপ্লাই দি হেসেস ল যোগুড়া কা ডাইরেক্টলি আমি কারি পারিবা নাই হেসেস ল এপ্লাই করি বর্তমান এনথালপি অফ ফরমেশন কিছু কম্পাউন্ড আমি ডাইরেক্টলি কাটি পারিবা না তাহলে কোন পারিবা আমি হেসেস ল এপ্লাই করিবা তারপর এনথালপি অফ ফরমেশন কাটি পারিবা সেকেন্ড এনথালপি অফ কম্বাসন আমি কিছু কম্পাউন্ড ডাইরেক্টলি কাটি পারিবা না পুরো হেসেস ল এপ্লাই করি সেটা কাটি চলো তাহলে তার অ্যাপ্লিকেশন থার্ড লাইন এনথালপি অফ ট্রানজিশন দেখো এটা ট্রানজিশন মানে এক্সাম্পল দেখি এসআর কনভার্টার টু এসএ ডাইরেক্টলি আমি ডাইরেক্টলি এনথালপি জানা নাই কত হিট চেঞ্জ হলো জানা নাই বর্তমানে এটা ইনার স্টেপ এসআর কনভার্ট টু এসও2 এসএফ কনভার্ট টু এসও2 বর্তমানে এটা মাইনাস করে দিলে এটা স্টেপ ইনার স্টেপ হলো এটা ফার্স্ট স্টেপ 1 এটা স্টেপ 2 বর্তমানে মাইনাস করে দিলে কোন এটাটা কটি হলো এটাটা কটি হলো কটি হলো পরে রইলা কত এসআর এসআর চেঞ্জেস টু এসএ এসআর চেঞ্জেস টু এসএম তাহলে ইকুয়াল ডেল এইচ1 মাইনাস ডেল এইচ2 ডেল এইচ1 কত মাইনাস 71.1 মাইনাস অফ মাইনাস 71.6 তাহলে এই যে আমরা প্লাস 0.6 আসলো তাহলে আর হবে না কত ডেল এইচ ইকুয়াল টু প্লাস 0.6 দেখো এইটা যদি জানা নাই ইন্টারেস্ট করব আমি এটা কাটি তাহলে এটি এইটা হলো তার হেল্পফুল সো বাই অ্যাপ্লাইং হেসেস ল উই ক্যান ক্যালকুলেট the enthalpy of formation of some compounds which cannot be calculated directly jo compound directly ami kali pare mane enthalpy of formation ki enthalpy of combustion ki enthalpy of transition sei compound ula ami hess law apply kori we can calculate the enthalpy of formation enthalpy of combustion and enthalpy of transition of certain compounds directly in order to calculate this we apply hess law clear last time conclusion kiya simple we cannot calculate the enthalpy of formation enthalpy of combustion enthalpy of transition of some compounds directly so by applying Hess's law we can calculate we can calculate it indirectly এটা হলো কি পয়েন্টস কি নোটস we cannot calculate the enthalpy of formation enthalpy of combustion enthalpy of transition of some compounds directly so by applying Hess's law we can calculate it indirectly আমি কিছু কম্পাউন্ডর এনথালপি অফ ফরমেশন এনথালপি অফ কম্বাসন এনথালপি অফ ট্রানজিশন ডাইরেক্টলি ক্যালকুলেট করিব নাই আমি কোন করিবা হেসেস ল এপ্লাই করি ইনডাইরেক্ট মেথড রে সার্চ করিবা তাহলে ডাইরেক্ট ভাবে আসিবা সো দিস ইজ দি ক্রিম অ্যাপ্লিকেশন
एप्लीकेशन और मेजर एप्लीकेशन ऑफ एसएस लॉ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एसएस लॉ. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एसएस लॉ. Next class we will discuss about the problems based on SS. Yeah.